भाजपा ने पौधारोपण कर मनाया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। गरोट, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया के निर्देशानुसार भाजपा मंडल गरोट द्वारा 23 जून बुधवार को देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान राष्ट्रभक्त भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर सभी बूथों पर पौधारोपण कर बलिदान दिवस भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया गया। इसी प्रकार भाजपा मंडल गरोट में प्रातः 11 बजे भाजपा कार्यालय गरोट पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र जैन, भाजपा के नवनियुक्त भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश सेठिया, मंडल अध्यक्ष उमराव सिंह चौहान, मंडल महामंत्री विनोद ग्वाला एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए एवं राजेश सेठिया, राजेंद्र जैन के द्वारा पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया, जिसके पश्चात भाजपा कार्यालय परिसर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्यक्ष उद्यान शासकीय हॉस्पिटल परिसर पथवारिया रोड स्थित मुक्तिधाम परिसर पर पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महेश मालवीय, दिनेश चौधरी, रविंद्र पुरी गोस्वामी, मोहम्मद इलियास कुरैशी, अनिल पांडे, कृष्णकांत सेठिया, राजू तिवारी, दिनेश पवार, चंद्रशेखर शर्मा, दीपक मांदलिया, महेश साखला, मानसी सोलंकी, जगदीश सोलंकी एवं अन्य लोग उपस्थित थे। गरोट से संवाददाता जीवन साखला की रिपोर्ट।